आज की हमारी रेसिपी है पनीर दो प्याजा। दो प्याजा मीन्स प्याज की डबल क्वांटिटी को हम जब भी कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं तो उसको दो प्याजा कहते हैं। एक तो प्याज को ग्राइंड करके और दूसरा प्याज को चॉप करके या उसके शेष निकाल कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूज देसी किचन। तो चलिए बनाते हैं पनीर दो प्याजा। पनीर दो प्याजा बनाने के लिए हमने 150 ग्राम फ्रेश पनीर लिया है। इसको हमने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। पनीर क्यूब्स को अब हमें बोल में ट्रांसफर करेंगे। इसके मैरिनेशन के लिए हमने आधा चम्मच हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर लिया है। इन सबको पनीर में ऐड करेंगे। एक चम्मच ऑयल डालेंगे, ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं आप। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। सबको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम प्याज लिए हैं। दो प्याज को हम ग्रेट करके ग्रेवी बनाएंगे और एक प्याज के हम शेल निकाल लेंगे। दो मीडियम साइज टमाटर को भी हम ग्रेट कर लेंगे। टमाटर का हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे कि ग्रेवी खट्टी ना हो। टमाटर का छिलका बच गया है, इसको अब हम फेंक देंगे। एक प्याज को हम इस तरह से काट के प्लस के निशान की तरह काट के इसके हम सारे शेल्स अलग अलग कर लेंगे। एक पैन में दो बड़े चम्मच ऑयल को हम गरम कर लेते हैं। प्याज के जो हमने शेल्स निकाले थे अब इस गरम ऑयल में डालकर इसको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे। शेल्स अब फ्राई हो चुके हैं, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी ऑयल में जो हमने पनीर के क्यूब्स मैरिनेट करके रखे थे उसमें डाल के इसको हम लाइटली ब्राउन फ्राई कर लेंगे। पनीर लाइट ब्राउन फ्राई हो चुका है, इसको अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। सेम ऑयल में 8 से 10 काली मिर्च, लौंग, 1 चम्मच जीरा, 2 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। ग्रेटेड प्याज को डाल के हल्का गुलाबी होने तक हम इसको भून लेते हैं। पनीर मैरिनेशन का जो मसाला कढ़ाई में बच गया था उसके सारे फ्लेवर्स भी प्याज में आ जाएंगे। प्याज गुलाबी भुन गया है, अब हम ग्रेटेड टोमेटो ऐड करके बराबर चलाते हुए तेल छूटने तक इसको हम भून लेते हैं। मसाला भुन गया है, अब हम इसमें थोड़े से ड्राई मसाले ऐड करते हैं। रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। अच्छे कलर के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि हमने मैरिनेशन में भी सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए केयरफुली सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच दही को फेंट कर डालेंगे और अच्छी तरह चलाएंगे जिससे कि दही फटे नहीं। मसाला दही के साथ अच्छी तरह भुन गया है, अब हम इसमें 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच पानी में घोल कर डालेंगे और सबको अच्छी तरह हम भून लेंगे। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें पनीर क्यूब्स को ऐड करेंगे और सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 चम्मच कसूरी मेथी को हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे एक अच्छा फ्लेवर आने के लिए। ग्रेवी लगाने के लिए पानी ऐड करेंगे। कढ़ाई पनीर में ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी रहती है, इसलिए हम पानी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक हम इसको और कुक करेंगे।
फ्राइड शेल्ड अनियन को हम अब ऐड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको और कुक करेंगे। क्वार्टर टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। कवर करके इसको 1 से 2 मिनट पनीर दो प्याजा को कुक होते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको कटी हुई हरी धनिया से गार्निश करते हैं। फ्लेम को स्विच ऑफ कर देंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। पनीर दो प्याजा को आप रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।